मैं हूं उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सदारती ओहदा संभालने के 2 साल बाद अमरीकी सदर का कनाडा का दौरा। गवर्नर जनरल मैरी साइमन ने जो बाइडन का कनाडा पहुंचने पर इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर की कैनेडियन वजीर आजम से मुलाकात। कैनेडियन वजीर आजम का मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद महंगे होटल में क्याम, एक रात का किराया $6,000 अदा किया गया। वजीर आजम के दफ्तर का कहना है कि मलिका की आखिरी रसूमात से कबल होटल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए खसूसी मौसमी बयान जारी। हफ्ते के रोज शहर में बर्फानी तूफान का खतरा। 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। तालिबान हुकूमत को कमजोर करने के नतीजे अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। अफगान वजीर खारजा का कहना था कि 2 दहाइयों से अफगान मईशत का दारोमदार बैरूनी इमदाद पर है। पाबंदियां लगाने और दबाव डालने से इख्तलाफात दूर नहीं होंगे। शुमाली कोरिया का जौहरी सलाहियत के हामिल जेरे समंदर नए ड्रोन का तजुर्बा। नया ड्रोन किसी भी साहिल और बंदरगाह पर तैनात किया जा सकता है। जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि शुमाली कोरिया के दावों का तजिया कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। Shawarma, now serving from 4 locations. अमरीकी सदर जो बाइडन 2 साल से ज़ायद अरसा कबल ओहदा सदारत संभालने के बाद कनाडा के अपने पहले सरकारी दौरे पर ऑटावा पहुंचे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन 2 साल से ज्यादा अरसा कबल ओहदा सदारत संभालने के बाद कनाडा के अपने पहले सरकारी दौरे पर ऑटावा पहुंचे हैं और ये दौरा दोनों ममालिक के लिए कुछ इख्तलाफात कम करने का मौका हो सकता है। बाइडन के 2 रोज़ा दौरे का आगाज कनाडा में बादशाह के नुमाइंदे गवर्नमेंट जनरल मैरी साइमन से मुलाकात से हुआ, जिन्होंने कनाडा पहुंचने पर अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। बाइडन ने नासाजगार मौसम के दौरान नेवी ब्लू ओवरकोट मलबूस किया हुआ था, जब वो साइमन और उनके शौहर मुनसिफ विट फ्रीजर और दीगर मौजजीन के साथ उनकी आमद के लिए टर्मक पर जमा हुए तो उन्होंने लतीफे सुनाए। बाद में बाइडन और साइमन को अमरीकी मगरब में जंगल की हालिया आग से होने वाली तबाही के बारे में बात करते सुना गया। साइमन ने बाइडन को बताया
कि किस तरह मौसमियाती तब्दीली ने उसके आबाई इलाके आर्कटिक को मुतासर किया है। साइमन और फ्रीजर के साथ वक्त गुजारने के बाद बाइडन और उनकी अहलिया जिल ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की रिहायशगाह राइडो कॉटेज का सफर किया, जिसके लिए व्हाइट हाउस कैमरों और अहलकारों से दूर एक करीबी मुलाकात का नाम दे रहा है। इस सफर के लिए तैयार करदा दीगर प्रोग्रामों में बाइडन का जुमे को पार्लियामेंट से खिताब और ट्रूडो और दीगर आला सतह कैनेडियन हुकाम के साथ मुलाकातों का सिलसिला शामिल है। गैर सरबराही दौरे पर कनाडा में रात गुजारने वाले आखिरी अमरीकी सदर 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। बाइडन के दौरे का मंसूबा बुश के दौरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो अमरीका के इराक पर हमले के चंद माह बाद हुआ था। दोनों रहनुमा यूक्रेन में जारी जंग, हेटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल, बढ़ते हुए आलमी खतरात के वक्त कनाडा की फौज की रियासत सेफ थर्ड कंट्री मुहिदे और क्यूबैक के रॉक्सहम रोड क्रॉसिंग पर महाजरीन की आमद पर बातचीत करने वाले हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत और मईशत के बारे में मामूल की बातचीत में मशगूल होंगे। ये एक आला सतही मसला है, क्योंकि महंगाई सरहद के दोनों तरफ लोगों पर बोझ बनी हुई है। कैनेडियन वजीर आजम के दफ्तर का कहना है कि मलिका की आखिरी रसूमात से कबल होटल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर आजम के दफ्तर का कहना है कि मलिका की आखिरी रसूमात से कबल होटल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। वजीर आजम का दफ्तर का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया सूफी ग्रेकोय ट्रूडो मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात में शिरकत के दौरान $6,000 फी रात होटल के सूट में ठहरे। कोरिंथिया लंदन होटल में क्याम पिछली मौसम खजा में इस वक्त अवामी बहस का मौजू बन गया, जब मीडिया ने मालूमात तक रसाई की दरख्वास्तों के जरिए दस्तावेजात हासिल करने के बाद $4,00,000 के सफर की तफसीलात से आगाह किया। लेकिन ट्रूडो के दफ्तर और ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने पिछले महीने उन सवालों का जवाब नहीं दिया कि महंगे रिवर स्वीट में कौन ठहरा, जिसमें बिटलर हाउस मौजूद है। हुकूमती ऑपरेशंस कमेटी में हिजब इख्तलाफ के अराकीन पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता माह सफर से वाबस्ता तमाम रसीदों और रसीदों की कॉपी मांगी। कमरा 9 सितंबर को मलिका की मौत के एक दिन बाद 15 से 20 सितंबर के लिए बुक किया गया था। एक बयान में वजीर आजम के दफ्तर का कहना है कि जनाजे से कबल होटलों की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ और लंदन के बहुत से होटल 500 सरबराहान मुमलिकत और उनके वफूद शहर में आने की वजह से बुक हो गए। होटल की वेबसाइट फिलहाल 5,154 बरतानवी पाउंड फी रात के हिसाब से सूट की फहरिस्त देती है, जो सितंबर में हुकूमत की तरफ से वसूल किए गए 4,800 पाउंड से जायद है। मलिका एलिजाबेथ दोम की मौत कैनेडियनों के लिए एक अहम वाकया था। ट्रूडो के एक प्रेस सेक्रेटरी ने जुमेरात को एक तहरीरी बयान में कहा कि कैनेडा की नुमाइंदगी साबिक वज़ीरे आज़म और गवर्नर जनरल ने बादशाह को खराज अकीदत पेश करने के लिए की, जिसने एक आजाद मुल्क के तौर पर कनाडा के तकरीबन निसफ वक्त की निगरानी की। टोरंटो शहर और जनूबी ओंटारियो के बाकी हिस्सों के लिए हफ्ते के रोज एक और तूफान से पहले मौसम का एक खसूसी बयान जारी किया गया है, जो मुंजमद बारिश और तेज हवाएं ले सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए खसूसी मौसमी बयान जारी किया गया है। शहर और जनूबी ओंटारियो के बाकी हिस्सों के लिए हफ्ते के रोज एक और तूफान से पहले मौसम का एक खसूसी बयान जारी किया गया है, जो मुंजमद बारिश और तेज हवाएं ले सकता है। इन्वायरमेंट कनाडा ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि बारिश का आगाज मुमकिन तौर पर जमने वाली बारिश या बर्फ की एक मुख्तसर मुद्दत के तौर पर होगा, जिसके बाद जमने वाली बारिश की मुद्दत में तेजी से मुंतकली होगी। माहौलियात कनाडा ने कहा कि चंद मिलीमीटर बर्फ का इजाफा मुमकिन होगा, जबकि मुंजमद बारिश दोपहर में बारिश में तब्दील हो जाएगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि तूफान से 70 या 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी तवक्को है, जिसके सबब शहरियों को बिजली की बंदिश का भी सामना करना पड़ सकता है। इन्वायरमेंट कनाडा का कहना था कि किसी भी मुंजमद बारिश के सही मकाम और वक्त और तेज तरीन हवाओं के दौरानिये और मकाम के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल बाकी है। लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो इजाफी तफसीलात के लिए मुस्तकबिल की पेशन गोइयों पर नजर रखे। हफ्ते को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड रहेगा। इतवार के लिए मौसम अबर आलूद रहेगा, जिसमें 40% बारिश का इम्कान है और दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी का कहना है कि आलमी बिरादरी अफगानिस्तान के खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात बहाल करे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी का कहना है कि आलमी बिरादरी अफगानिस्तान के खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए
سیاسی اور اقتصادی تعلقات بحال کرے۔ طالبان حکومت کو کمزور کرنے کے نتائج افغانستان تک محدود نہیں رہیں گے۔ عرب اخبار کے لیے لکھے گئے کالم میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور دیگر ممالک کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ پابندیاں لگانے اور دباؤ ڈالنے سے اختلافات دور نہیں ہوں گے، باہمی اعتماد سے ہی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان ناکام حکومتوں کی تاریخ رکھتا ہے اور عالمی طاقتیں اور مضبوط اتحاد بھی اسے روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ طالبان حکومت کو کمزور کرنے سے جو انسانی المیہ جنم لے گا، اس کے اثرات افغانستان تک محدود نہیں رہیں گے۔ ایسی صورتحال میں سیکیورٹی، پناہ گزینوں، معاشی، صحت اور دیگر شعبوں میں ایسے چیلنجز پیدا ہوں گے جو ہمارے پڑوسی ممالک، خطے اور دنیا کے لیے مشکل ہوں گے۔ امیر خان متقی نے کہا کہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ گزشتہ دو دہائیوں سے افغان معیشت کا مکمل دار و مدار بیرونی امداد پر رہا ہے۔ اب غیر ملکی امداد رکنے کے بعد افغان عوام کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ضروری ہے۔ افغانستان میں ترجیحی بنیادوں پر روزگار کے مواقع اور انفراسٹرکچر کو بحال اور مکمل کرنا لازمی ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری صلاحیت کے حامل زیر سمندر حملہ کرنے والے نئے ڈرون کا تجربہ کیا گیا ہے، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری صلاحیت کے حامل زیر سمندر حملہ کرنے والے نئے ڈرون کا تجربہ کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کے میڈیا کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ نئے ڈرون کو سونامی کا نام دیا گیا ہے، جس نے مشرقی ساحل کے قریب ایک غیر جوہری پے لوڈ کو دھماکے سے اڑایا۔ میڈیا کے مطابق نیا ڈرون کسی بھی ساحل اور بندرگاہ پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ڈرون سسٹم کا مقصد بڑی آپریشنل بندرگاہوں کو دھماکے سے ایک بڑی تابکار لہر پیدا کر کے تباہ کرنا ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے دعووں کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے ایٹمی تجربے کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے۔ خیال رہے کہ جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان 14 مارچ سے آزادی ڈھال نامی مشقوں کا آغاز ہوا تھا۔ شمالی کوریا نے ان مشقوں کے جواب میں اس ماہ کے دوران 6 میزائل تجربے کیے ہیں۔ شمالی کوریا نے مذکورہ فوجی مشقوں کو قبضے کی تیاریاں قرار دیا تھا۔ اگرچہ فوجی مشقیں ختم ہو جائیں گی، لیکن امریکہ جنوبی کوریا کے ساتھ نئی فوجی مشقوں کے لیے آئندہ دنوں میں ایئر کرافٹ، کیریئر، بحری جہاز کو علاقے میں بھیجنے کی تیاریاں کر رہا ہے، لہذا شمالی کوریا کے میزائل تجربے بھی جاری رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔